नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की बकाया बिजली बिल निपटान योजना 2018 के संदर्भ में स्थानीय महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दिल्ली जोन के मुख्य अभियंता संजीव चोपड़ा ने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और पार्षदों को योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का भरपूर लाभ उठाने की अपील की। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली विभाग के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली ब्याज माफी योजना शुरू की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में शहरी, ग्रामीण, गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा उक्त योजना 1 अक्टूबर 2018 से शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 30 जून 2018 से पहले 5 किलोवाट से कम लोड वाली शहरी व ग्रामीण, घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ता जो बिजली विभाग के डिफॉल्टर हो चुके हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण डिफॉल्टर घरेलू उपभोक्ताओं का पूरा ब्याज माफ होगा तथा इन उपभोक्ताओं को 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से बिल जमा कराना होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का भी पूरा ब्याज माफ और 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से बिल जमा करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का भी पूरा ब्याज माफ किया जाएगा और 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से बिल जमा कराया जाएगा, जबकि शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से बिल देना होगा। वो किसी के लिए समय निकालना, आपके पास आजकल इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है, 10 मिनट भी किसी के लिए निकालना बड़ी मुश्किल बात है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे एक छोटे से मैसेज के ऊपर आप सभी लोग यहाँ आए और हमारी बात सुनने के लिए जो आपने कष्ट उठाया उसके लिए मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। ये स्कीम जो है, ये बिल निपटान योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये लगभग हरियाणा में पहली बार लागू हुई है इस प्रकार की स्कीम। बहुत ही सोच समझ के हमारे शत्रुजीत कपूर जी जो हमारे चेयरमैन हैं, IPS ऑफिसर हैं, तो उनके प्रयासों के मद्देनजर और ये सब जो भी माननीय मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया, तो ये स्कीम बहुत लोगों तक पहुंची नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों से पता लगा था कि और भी जिलों में ये दिक्कत आई कि काफ़ी हमारे जो सरपंच नहीं हैं, जिन्हें जो हमारे साथी हैं, इवन जो हमारा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हें भी बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये स्कीम किस बारे में है और इस स्कीम का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है। तो तब ये फैसला लिया गया कि भाई सभी जगह जाके अपने भाइयों से बात की जाए, आपके बीच में पहुंच के ही ये पहले बताया जाता कि आपसे भी अगर कोई पूछे तो आप भी उनको ये बता सके कि भाई ये स्कीम क्या है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता मनोज यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार की बकाया बिजली बिल निपटान योजना 2018 चलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई यह स्कीम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। योजना के अंतर्गत बहुत ही कम बिल निर्धारित किया गया है, बिजली उपभोक्ता उस बिल को भर दे। अगर कोई बिजली उपभोक्ता वर्ष 2005 से डिफॉल्टर चला आ रहा है तो बिल भरने के बाद उस डिफॉल्टर अमाउंट को वन टाइम में ही समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में 1000 बिजली उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है, जिसके चलते खाते में 4 करोड़ रुपए जमा हुए और लगभग 16 करोड़ की बिजली ब्याज राशि माफ कर दी गई है। योजना के अंतर्गत 80% पैसा उपभोक्ताओं का सरकार ने माफ कर दिया है। BPL परिवार के उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ दिया गया। उन्होंने आह्वान किया कि जिला के सभी खंडों के सरपंच इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। ये सरचार्ज वेवर स्कीम है जो 24/2018 25/2018 सर्कुलर के तहत इम्प्लीमेंट हुई 1 अक्टूबर 2018 से, जिसमें ग्रामीण शहरी दोनों उपभोक्ता इंटाइटल हैं और डिसकनेक्टेड कनेक्टेड दोनों टाइप के उपभोक्ता इंटाइटल हैं, घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता वो भी दोनों इंटाइटल हैं। और इस स्कीम की अंतिम तिथि अभी 31 दिसंबर 2018 है। इसमें 30 जून 2018 तक के जो डिफॉल्टर उपभोक्ता हैं उनके लिए विशेषकर ये स्कीम विशेष लाभदायक है, क्योंकि इसमें 30/6/2018 से पहले हम दो तरह का लाभ देंगे। एक तो ब्याज पूरा माफ़ कर पाएंगे, दूसरा उनकी रीकैलकुलेशन करेंगे कि 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से ग्रामीण उपभोक्ता को और 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह शहरी उपभोक्ता को, और जो गैर घरेलू उपभोक्ता है उसमें 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह ग्रामीण को और 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह शहरी को वो लाभ देंगे। उसमें ग्रामीणों को यहाँ तक हो रहा है, कई तो हमने
64,000 का बिल 4704 रुपए में निपटाया कल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पलवल के SDO SS रावत ने बताया कि उक्त स्कीम में ग्रामीण व शहरी दोनों बिजली उपभोक्ताएं शामिल हैं। स्कीम की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 है। पलवल जिले में यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है। एक बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ता का 64,000 रुपए की बिल 4704 रुपए में निपटा दिया। योजना ने बिजली विभाग का डूबा हुआ पैसा बिजली विभाग के खाते में जमा हो गया और बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ता को योजना का लाभ मिल गया।